बिना घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैसी हो दादी? ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेटा। वो पर दादी, अरे सामा जी खुश रहा। स्मार्ट मत बनो नक्श, मैंने तुम्हारा और यश का वीडियो देखा जिसमें तुमने सब कुछ एडमिट किया है। तुमने कभी कीर्ति से प्यार नहीं किया, ये शादी तुम्हारे लिए सिर्फ एक सौदा है और कुछ नहीं। कार्तिक, सर बहन से ही मिलोगे? यहाँ आओ, नक्श हैं, इस घर के दामाद हैं, वेलकम करो इन्हें। वो हम सोच रहे थे मनीष की पूजा का मुहूर्त हो चुका है तो पहले वो कर ले, फिर बाद में बाकी सब। आइए बेटा। भाई उसके लिए गिफ्ट लाना भूल गए क्या? नहीं तो ये रहा आपका गिफ्ट। ये हमारी तरफ से, अधिकार से भैया की तरफ से। थैंक यू एंड थैंक यू। एक मिनट, एक मिनट। ये आप दोनों के लिए। रुक्मणी आंटी, किन्नर शेख, अच्छा सा गिफ्ट भिजवा देना अपनी दीदी को। जी भाई साहब। आप ठीक तो हैं? कीर्ति जी, मैंने आपको मना किया था ना हील्स पहनने के लिए, फिर क्यों? क्यों क्यों नहीं पहन सकती वो हील्स? उसकी जो मर्जी होगी वो पहनेगी, तुम्हें कोई हक नहीं उसे रोकने का। कार्तिक, ये कौन सा तरीका है बात करने का? सही कहा मैंने, शादी हो गई इसका ये मतलब नहीं कि उसकी खुशी कोई मैटर नहीं करती। उसकी जो मर्जी होगी वो करेगी, कोई दूसरा उसे कंट्रोल क्यों कर रहा है? मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है कार्तिक, तू भी पता नहीं क्या सोचे जा रहा है। कार्तिक, कल 3 बार मेरा पैर मुड़ गया और आज थोड़ी स्वेलिंग भी है, इसलिए ये कह रहे थे। और मैं फिर भी हील्स पहन के आ गई, गलती मेरी थी और ब्लेम तो इन्हें कर रहा है। That's not right. ये तो मेरे लिए ही कह रहे थे ना। चलो अब
इन्हें सॉरी बोलो तुम। कार्तिक रुको, मेरी बात तो सुनो। और सुनने के लिए रहा क्या है? मुझे नहीं तुम लोगों को सुनने की जरूरत है, तुम्हें और तुम्हारे भाई को। देखा नहीं तुमने किस तरह मेरी बहन ने तुम्हारे उस दगाबाज भाई का साइड लिया? उसके लिए मुझसे लड़ पड़ी वो, क्योंकि वो इतना भरोसा करती है उस पर, प्यार करती है उससे, और बदले में मेरी बहन को क्या मिला? धोखा, झूठ और कुछ नहीं। झूठ बोला है तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से, झूठ बोला कि वो उससे प्यार करता है, झूठ बोला कि वो उससे शादी करना चाहता है। असल में तो उसके लिए शादी एक सौदा है और कुछ नहीं। और तुम्हारा नक्ष, तुम कार्तिक की बात को दिल से नहीं लगाओगे बेटा, तुम जानते हो कि वो। इट्स ओके अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, आई एम फाइन। कर दिया ना तुमने तुम्हारे गुस्से में सब गलत। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। किरती मैं। कार्तिक प्लीज, प्लीज जस्ट गो। नक्श से कह दो कि मैं उनके साथ वापस नहीं जा पाऊंगी। जी अभी आना होगा। जी आता हूं। जी वो सॉरी, मुझे जाना होगा, दरअसल पेपर्स आए, उन्हें साइन करना जरूरी। अरे यही मंगवा लो पेपर्स। नहीं वो दादाजी से डिस्कस भी करना है तो। ओके ओके। स्वर्णा कीर्ति को बुला लो। जी नहीं दादी, आप उन्हें रहने दीजिए ना, यहाँ पर रहेंगी तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे। मैं फ्री होते ही आपको कॉल करता हूँ और लेने आ जाऊंगा उन्हें। चलता हूँ मैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। वही हुआ ना जिसका डर था। पहले दिन से इसी चीज से बचाना चाहता था अपनी बहन को। जब से इस रिश्ते की बात हुई है तब से कह रहा हूँ कि इतनी जल्दबाजी मत करो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी मेरी। जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे आज उसी रिश्ते ने बाकी सारे रिश्तों को दुख दिया। दूसरी बार उम्मीद टूटी है मेरी बहन की, डर इस बार वो खुद ही ना टूट जाए, और अगर ऐसा हुआ ना नहरा तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, ना तुम्हें ना तुम्हारे भाई को। कीर्ति कहाँ है बेटा? कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? भाई, भाई कहाँ है? वो तो घर चले गए हैं, उन्हें कुछ पेपर साइन करने थे। हाँ पर वो वापस आ रहे हैं कीर्ति को लेने। कोई फायदा नहीं। मतलब नक्श आएगा तो भी कीर्ति नहीं जाएगी उसके साथ। क्या कहलाता है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।